मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं थॉमस को जो एक खतरनाक सपना देख रहा होता है जिसमें एलियंस उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इसके बाद वो घबरा करके उठ जाता है। थॉमस एक एक्स प्रेसिडेंट होता है और लास्ट टाइम जब एलियंस ने अटैक किया था तब उसने ही सारा जिम्मा संभाला था। अब हमें पता चलता है कि थॉमस की जगह लैंगफोर्ड नाम की लेडी प्रेसिडेंट बन चुकी है। अब इसके बाद हमें धरती दिखाई जाती है जहाँ पे इंसानों की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है लास्ट टाइम की एलियन लड़ाई के बाद। अब हम देखते हैं चांद पे जहाँ इंसानों ने अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बना रखा है और उन्होंने ऑर्बिटल सपोर्ट सिस्टम भी बना रखा है, यानी कि अगर एलियन या कोई ऑर्बिट धरती की तरफ बढ़ेगा तो वो चांद से ही उसे मार गिराएंगे। जहाँ पे हमें जैक और चार्ली दिखाए जाते हैं वहाँ पे वो अपने ऑर्बिट सपोर्ट को उतार रहे होते हैं लेकिन वो नीचे गिरने लगता है जिसको वो लोग काफी मशक्कत के बाद संभाल लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं डेविड को जो गया होता है साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास जो एलियन टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि धरती के खनिज चुराए जा रहे होते हैं वो सालों बाद फिर से एक्टिवेट हो गई होती है। और ये बात डेविड को समझ नहीं आ रही होती है। जब वो उसके सपोर्ट सिस्टम के पास जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि एक अजीब सी लाइट जल रही है। जैसे वो उसे टच करता है तो वहाँ पे अपना सोलर सिस्टम बन के आता है जिसमें अर्थ रेड कलर की होती है। डेविड जान जाता है कि धरती को फिर से कोई खतरा है। अब इसके बाद हम देखते हैं पायलट्स के कुछ ग्रुप को जिन्हें चांद पे डिफेंस सिस्टम पर भेज दिया जाता है और उनकी वहाँ पे नई नई पोस्टिंग हुई होती है। डेविड साउथ अफ्रीका में घूम ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक साइंटिस्ट आती है और उसे एक सिंबल दिखाते हुए बोलती है कि इस समय लोगों को सपने आने शुरू हो गए हैं जिसमें उन्हें ये सिंबल दिखाई दे रहा है। तभी उसके पास जो साउथ अफ्रीकन ऑफिसर खड़ा होता है वो भी उसको बताता है कि मैंने भी एक सपना देखा था और मुझे भी ये सिंबल उसमें दिखाई दिया था। इसके बाद उसको अपनी आर्ट दिखाता है जिसमें उसने इस सिंबल को ड्रॉइन किया होता है। हम यहाँ पे देखते हैं एक साइंटिस्ट को जिसका नाम एकॉन होता है। लास्ट टाइम जब एलियंस ने धरती पर अटैक किया था तो इसके ऊपर भी अटैक हुआ होता है जब से ये कोमा में होता है। तभी एकदम से इसकी आंख खुलती है और इसका साथी डॉक्टर इसे जागा हुआ देख करके काफी खुश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है चांद पर बना डिफेंस सिस्टम जहाँ स्पेस से कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। वो लोग ये खबर लैंगफोर्ड को देते हैं और बताते हैं कि एक स्पेसशिप उनकी तरफ बढ़ रही है और उसके चारों तरफ बवंडर है। जिसके बाद लैंगफोर्ड डेविड से पूछती है कि हम क्या करें। डेविड उससे कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, पहले हमें इसके बारे में जानना होगा, लेकिन बाकी देश के प्रेसिडेंट बार बार कह रहे होते हैं कि हमें उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लैंगफोर्ड ये ऑर्डर दे देती है कि हमें उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। अब यहाँ पे ऑर्बिट डिस्ट्रॉयर से उस स्पेसशिप के ऊपर अटैक किया जाता है और स्पेसशिप वहीं पर क्रैश हो जाती है। जिसके बाद जैक अपने दोस्तों के साथ जाता है स्पेसशिप के पास और तभी वहाँ पे उनके पीछे एक बड़ी सी स्पेसशिप आ जाती है जो कि लास्ट टाइम वो एलियन अटैक से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। इसका अलग ही ग्रेविटल फोर्स होता है जिस वजह से जैक जब उस क्रैश्ड स्पेसशिप को लेकर के भाग रहा होता है तो वो उस स्पेसशिप के अंदर घुसने लगता है जो उनके पीछे से आ रही होती है। अब उस स्पेसशिप के ऊपर ऑर्बिट डिस्ट्रॉयर से अटैक करने की कोशिश की जाती है लेकिन वो स्पेसशिप इतनी बड़ी होती है कि वो सबसे पहले ऑर्बिट डिस्ट्रॉयर को गिरा देती है और उसके बाद चांद पर बने सारे के सारे सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर देती है। वहीं दूसरी ओर अर्थ पे हम देखते हैं कि लैंगफोर्ड आज आज़ादी का जश्न मना रही होती है। असल में लास्ट टाइम जब एलियन ने अटैक किया था तो आज ही के दिन उन लोगों ने उन्हें हराया था। भाषण देते समय एकदम से डेविड का सर दर्द होने लगता है और हम देखते हैं एकन को, उसका भी सर एकदम से दर्द होने लगता है। और वहीं वो लोग स्क्रीन पे देखते हैं तो उनकी तरफ बड़ी सी स्पेसशिप बढ़ रही होती है। अब डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करके वो स्पेसशिप धरती की तरफ बढ़ती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को एक एक करके तबाह करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं जैक को जो अपने ग्रुप को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस ग्रेविटी से बचा करके धरती में एंट्री कर लेता है। जैक निकल जाता है एरिया 51 की तरफ। हम देखते हैं स्पेसशिप को जो अंटार्कटिक के ऊपर आकर के लैंड हो जाती है। अब इसके बाद थॉमस और उसका दोस्त वहां पे आ जाते हैं और वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि अब वो करें तो करें क्या। तभी थॉमस को पता चलता है कि सभी एलियंस जिनको उन्होंने 1994 में बंदी बनाया होता है वो सब एकदम से शोर मचाने लगे हैं। एकन बताता है कि वो शोर नहीं मचा रहे हैं, असल में वो जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनका कोई सपोर्ट करने वाला यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद डेविड पता लगाने के लिए उनके पास जाता है और वो उनमें से एक एलियन के चैम्बर में ही घुस जाता है जहाँ पे एलियन उसके ऊपर अटैक कर देता है और बताता है कि हमारी रानी यहाँ पे आ चुकी है और वो तुम सबको खत्म कर देगी। इसके बाद वो थॉमस का गला दबा के उसे खत्म करने लगता है। तभी सब लोग उसके ऊपर फायर करके उसे लड़ने की कोशिश करते हैं। काफी देर लड़ाई चलती है और आखिर में साउथ अफ्रीकन ऑफिसर उस एलियन को मार के वहीं पे खत्म कर देता है। हम देखते हैं डेविड को जो ये बात कर रहा होता है कि अगर ये उनकी रानी है तो यहाँ पे वो उन लोगों को छुड़ाने के लिए आई है
और उसके साथ साथ अगर हम उसको मार देते हैं तो ये सारे के सारे एलियन यहाँ से चले जाएंगे। ये एक मधुमक्खी के छत्ते के तरीके हैं और ये उनकी रानी है। अगर हम उसे मार देते हैं तो सारी मधुमक्खियाँ यहाँ से चली जाएंगी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वो स्पेसशिप धरती के कोर को चुराने के लिए आई है, जिससे कि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा और धरती नष्ट हो जाएगी। जिसके बाद डेविड और बाकी सब अपने सभी पायलट्स को अटलांटिक की ओर भेजने का ऑर्डर देते हैं।